बहुत ही टेस्टी लगता है। और उतारने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाला था, काली मिर्च का पाउडर भी डालिए, बहुत टेस्टी लगेगा। और स्वागत करती हूँ अपने लंच थाली वीडियो के साथ, और बना रही हूँ आज की लंच थाली में, और कितने लोगों के लिए बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप ले लें। और मटर छिम्मी देखिए आज इतना ही है, अभी मैं मार्केट जाऊंगी तब लेके आऊंगी। और ये वेज बिरयानी में बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। वेज बिरयानी में ये जो है ना न्यूट्रेला भी डालूंगी, यानी कि सोया चंक्स भी डालूंगी, तो क्योंकि बच्चे जो है ना मेरे बच्चे सिर्फ आलू और सोया चंक्स डाल दीजिए तो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं। तो चलिए बनाती हूँ, और सोया चंक्स को मैं जितना डालना है उसको मैं बॉयल कर लेती हूँ, आलू को मैं इसी तरह से रहने दूंगी। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि ये जो है ना वेज बिरयानी किसे किसे पसंद है। तो इसकी भी रेसिपी मैं 5-6 तरह से जो है ना वेज बिरयानी बनाती हूँ, लेकिन ये बच्चों की पसंद की मैं आज बना रही हूँ। आई होप कि आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो चलिए मटर की छिम्मी छील लेती हूँ, और ये कढ़ाई में चलिए ये जो है ना प्याज को मैं काट लेती हूँ, मटर की छिम्मी छील लेती हूँ। और यहाँ अभी पानी भी बॉयल हो गया है, तो मैं डाल दूँगी सोया चंक्स जितना आपको वेज बिरयानी में डालना है उसी के अकॉर्डिंग आप बॉयल कर लें। और चलिए जब तक बॉयल हो रहा है तो यहाँ पे डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल, चाहे तो आप घी में भी बना सकते हैं। उसके बाद डालूँगी इसमें थोड़ा सा जीरा, और खड़ा गोलकी भी मैं इसमें डालूँगी, इसे बहुत अच्छा स्वाद आता है, और 2-3 तेज़पत्ते। जब थोड़ा सा चटक जाए तो इसमें मैं डाल दूंगी प्याज, और ये जब तक प्याज है गुलाबी हो रहा है तब तक चलिए सोया चंक्स हो गया, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। और इसको ना हम पानी डाल करके और फिर से 2-3 पानी से हम धो लेंगे, देखिए, और एकदम पानी इसका एकदम से निकाल देना है। जो सोया चंक्स है ना अभी गर्म है, लेकिन इसको दाब करके पानी हम निकाल लेंगे, तभी ये मसाले का फ्लेवर इसमें जाएगा, नहीं तो एकदम पानी पानी ऐसा आपका जो है फ्राइड राइस बन जाएगा। मेरे बच्चे ना ये ज़्यादा क्वांटिटी में बोलते हैं मम्मी डाल दो बिरयानी में। चलिए अभी आलू फ्राई हो गया, तो थोड़ा सा लहसुन अदरक काली मिर्च का हम पेस्ट डाल देंगे इसमें, और थोड़ी सी मिर्च हम डालेंगे, थोड़ा सा हम हल्दी डालेंगे इसमें, और अच्छी तरह से हम चला लेंगे। साथ ही ये जो सोया चंक्स है ना इसको भी डाल देंगे, और एकदम अच्छी तरह से इसको हम फ्राई कर लेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नमक, और अब हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, नमक थोड़ा सा कम डालें क्योंकि हम चावल में भी थोड़ा सा नमक डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से हम चला लेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें गरम मसाला पाउडर, एकदम से मसाले में इसको एकदम लाल फ्राई कर लेना है। तो चलिए जब तक फ्राई हो रहे हैं तब तक हम चावल धो लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये इंडिया गेट का चावल है, तो इसका ही अच्छा होगा, तो देख लीजिए कितना क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं यहाँ पर सुबह। और तो चलिए इसको धो लेंगे, देखिए यहाँ, और इसको 3-4 पानी से हम धो लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल फ्राई हो गया है, तो इसका गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। और यहाँ पर देखिए कुकर चढ़ा लिए हैं, तो कुकर में हम डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, थोड़ा सा हम डालेंगे रिफाइंड ऑयल, बहुत ज़्यादा नहीं, के बाद थोड़ा सा डाल देंगे हम गरम मसाले, खड़े गरम मसाले जितने भी वो ले स्पाइसेस से, थोड़ा सा सहजीरा है, और थोड़ा सा इसको चटकने देते हैं। जब ये चटक जाए तो एकदम चावल को डाल करके ना एकदम लाल फ्राई कर लेना है,
को हम 5 मिनट भूनेंगे और जब चावल में से आवाज आने लगेगी ना तो समझिए कि आपका बिरयानी एकदम परफेक्ट बनेगा। इसको हम भून लेंगे और इसमें हम एकदम थोड़ा सा नमक डालेंगे, बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी फ्राई सब्जी में भी है। बस और देखिए एकदम चावल को ना हम एकदम से अच्छी तरह से भून लिए हैं। जब चावल को अच्छी तरह से भूनिएगा ना तो एकदम डबल हो जाता है। तो चलिए अच्छी तरह से चावल भूनने के बाद अब हम ये जो सब्जी फ्राई की है ना इसको हम डाल देंगे इसमें। और इसको डालने के बाद भी ना अच्छी तरह से 2 मिनट तक भून लेना है। और ये देखिए और अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो जब हम कुकर में कोई भी सब्जी चाहे चावल ही बनाते हैं तो कुकर से बस मेरा मेजरमेंट रहता है कि बस 2 अंगुल इतना इतना ज़्यादा 2 अंगुल मतलब ऊपर तक हम पानी डालेंगे तो एकदम परफेक्ट बनता है अगर डेली चावल भी बनाए। और नहीं तो जितना चावल है उसका दुगना और नहीं तो जितना चावल है ना बस अगर 1 कटोरी चावल है तो कुकर में 1 कटोरी ही पानी डालिए। पतीले में बनाते हैं तो 1 कटोरी चावल है तो उसका दुगना पानी पड़ता है, बस यही मेजरमेंट रहता है। तो चलिए अब हम इसमें हम पानी डाल देंगे। तो ये कटोरी से नापा हुआ है मेरा, मेरे पास 2 कटोरी चावल है तो मैं 4 कटोरी नाप करके इसमें पानी डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से चला लेना है। और पानी डालने के बाद ना इसमें हम मटर डाल देंगे ऊपर से, क्योंकि अभी नया नया मटर है तो बहुत जल्दी ये गल जाएगा तो हम ऊपर से डाल देंगे मटर। थोड़ा सा मटर की क्वांटिटी कम लग रही है तो मेरे पास इतना ही था। और ऊपर से हम हरी मिर्च डाल देंगे, लेकिन बीच से आप इस तरह से कट लगा दें। बस 2 सीटी लगाएंगे और पीछे से फरमाइश आ रही है, पीछे से फरमाइश हो रही है गोभी का पकौड़ा कोई रायता। तो चलिए फाइनली हम गोभी का पकौड़ा ही बना देते हैं। चलिए जो हो रहा है तब तक हम गोभी के पकौड़े की तैयारी कर लेते हैं। डाले थोड़ा सा हींग, हल्दी, नमक, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्च का इसमें आज थोड़ा सा मैं पेस्ट डाल दी हूँ। देखिए इसका कलर देख रहे हैं ना, हरा हरा है और थोड़ा सा स्वाद इसका अलग चाहिए था। और इसके साथ ही देखिए ये बड़ा बड़ा गोभी है ना, यहाँ पर से थोड़ा सा मैं कट लगा दूंगी 4 फूल जिसमें ये जो है ना बेसन अंदर तक जाए, क्योंकि इस तरह से फूल में और यहाँ इस तरह से हम डीप कर देंगे। और तेल गरम हो रहा है, करके डाल देना है थोड़ा सा जो है ना बेसन ऊपर से भी इस तरह से डाल देंगे। ये बेसन का पकौड़ा, ये गोभी का पकौड़ा ना बहुत मस्त लगता है खास करके फ्राइड राइस के साथ। और इसी तरह करके सब हम पकौड़ों को डाल देंगे। और चलिए अब देखते हैं खोल करके और देखिए जो है ना फ्राइड राइस जो है, देखिए एक एक दाना जो है ना, देखिए इसका देख रहा है ना एकदम। जब चावल अच्छी तरह से फ्राई कीजिएगा ना तभी आपका ये जो है ना बिरयानी बहुत अच्छा बनेगा। देख एक भी चावल का दाना नहीं टूटा है तो मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। टेस्टी लगता है। और उतारने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर भी डाला था, काली मिर्च का पाउडर भी डालिए बहुत टेस्टी लगेगा। और एकदम खिले खिले जो है ना ये चावल बने हैं। और साथ में यार बच्चों की पसंद की जो है ना ये बिरयानी बनी है
और साथ में ये आलू जो है ना बस इस तरह से बीच में खाते हैं। देखिए ये ऊपर से एक आलू, एक मिर्च। मैं अचार लगा देती हूँ। अचार की बहुत सारी रेसिपी मेरे YouTube चैनल पे है, और अगर YouTube से देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में पर विजिट कर लें, बहुत सारी आपको पिकल की रेसिपी मिल जाएगी। हर तरीके से मैंने अचार की रेसिपी शेयर की है। और साथ में लगा दूंगी ये जो है ना आज की गोभी के पकौड़ा, बहुत टेस्टी है। देखिए एक पर्सन के लिए ना ये दो काफ़ी है, तो ये लग गए गोभी के पकौड़े। और साथ में लगा दूँगी यहाँ पर पापड़। फ्राई चावल में ना ये तला हुआ पापड़ ही अच्छा लगता है। और दाल चावल का जब मैं लगाती हूँ थाली तो उसमें पापड़ सेक के लगाती हूँ। और चलिए यहाँ पे लग गए पापड़, और उसके बाद लगा दूँगी सलाद। और सलाद में सबसे पहले ये टमाटर, उसके बाद लगा दूँगी खीरा। देखिए आज बच्चों की पसंद की थाली है। और उसके बाद एक मूली। तो ये मेरा प्रॉपर जो है ना आज का ये बिरयानी प्लेट बन करके तैयार है। कैसी लगी मेरी आज की जो है ना रेसिपी, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कभी कभी लंच थाली बदल के भी दिखाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से लंच थाली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।